काला जामुन बनाने के लिए हमें 200 ग्राम खोया, 75 ग्राम पनीर, 50 ग्राम मैदा, 300 ग्राम चीनी, तलने के लिए घी या रिफाइंड ऑयल, 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच इलायची पाउडर, कटे हुए सूखे मेवे, फूड कलर और बेकिंग पाउडर। पनीर को हम ग्रेटर की सहायता से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद उसमें 1 चम्मच सूजी मिलाएंगे और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हम इसे मसल मसल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 स्पून मैदा डालेंगे। अब सबको मिलाएंगे अच्छी तरह से। और चिकना डो तैयार करेंगे। अब हम सूखे मेवे में 1 चम्मच चीनी डालेंगे और जो डो हमने तैयार किया था वो मिलाएंगे और फूड कलर डालेंगे और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और छोटे छोटे गोले बना लेंगे। अब हम काला जामुन की स्टफिंग करेंगे। अब हम अच्छी तरह से इसे गोले बना लेंगे भरकर। इसी तरह से हम सारे गोले बना लेंगे। जितना चीनी लिया है उतना ही हम पानी लेंगे। इसे अच्छी तरह से पकाएंगे और उसके बाद इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हम चेक करेंगे कि ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, चिपचिपी होनी चाहिए शहद की तरह। अब हम काला जामुन तलेंगे। हम पहले एक गोले को डाल के चेक कर लेते हैं कि ये फट रहे हैं या सही है। गोले हमारे सही हैं। अब हम सारे गोले को एक एक करके डाल देंगे, अच्छी तरह से तल लेंगे। हम इसे थोड़ा ज़्यादा तलेंगे क्योंकि हम काला जामुन बना रहे हैं। हम सारे काला जामुन को चाशनी में डाल देंगे और 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद ये फूल गए हैं और हमारे काले जामुन बनके तैयार हो गए। देखिए ये कितने अच्छे बने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं